हवा कितनी तेज़ अच्छी वाली चल रही है। पता है मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, ये कुर्सी लगी हुई है ना, अभी मैं यहाँ बैठती हूँ, मुझे ऐसा फीलिंग होता है ना, पर दिखाते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हो सब? आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इंडियन ब्लॉगर राखी झा में। और आज मौसम बहुत ही अच्छा है, हवा चल रही है, और हवा की प्रूफ दिखाती है, देखो कपड़े उड़ रहे हैं धीरे धीरे। आज मौसम अच्छा है, और पता नहीं कब रात को बारिश हुई, पता ही नहीं चलता। यहाँ पे झाड़ू और सब कर ली हूँ, बज रहे हैं 8, और दिक्कत पता है क्या हो जाता है, एक ही लाइट बाता है ना, तो फिर सॉपिल उड़ जाता है ना 6:30, तो मैं उठूँगी तो फिर उसको दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए मैं लेट ही रहती हूँ बिस्तर पर, वो चला जाता है 7 बजे, फिर मैं उठती हूँ, तो वही 7 से 8। इधर उधर बिस्तर से सब ठीक कर दिया, सारे रूम का क्या, सोते हैं हम एक रूम में, लेकिन सारे हमारे बिखरता है, बीच वाला भी अंदर वाला भी। और झाड़ू और मार दी मैंने, और मटके में ये देखिए मटकुरानी में पानी भर दिया, सुबह भर देती हूँ तो पूरे दिन पीते हैं, फिर शाम को थोड़ा भर देते हैं, और अभी मशीन चल ही रहा है, एक बार भर जाए ना पूरा मशीन में फिर स्विच निकाल दूँगी। तो बस यही सब। और आज मैंने बिस्तर इस्तर भी आज मैंने फोल्ड की हूँ सुबह से, देखो मेरे से नहीं होता भाई, इतना पता नहीं कहाँ से काम होता है, भगवान जाने इतना काम कहाँ से होता है, इधर का करो उधर, उधर का करो उधर, कितना करेंगे, फिर खाना नाश्ता भी तो होता है ना। और मैं सोच रही हूँ क्या, जैसे ये सूट किस लेके आई थी ना, ये देखो ऐसे ही अच्छा दुच्चा पड़ा हुआ है, तो इसको मैं सोच रही हूँ सारे आज दिन में कैसे भी टाइम निकाल करके वो करूँगी, अलमारी को खाली करूँगी। अलमारी की भी हालत वैसे ही ख़राब है, मैं दिखाऊँ तो देखो, ये देखो अलमारी भी पूरा तहस नहस हो रखी है, इसको भी थोड़ा मैं समेटूँगी, ये देखो कैसे हालत हो रखी है। सोच रही हूँ ना कि जो साड़ी वगैरह है एक थैले में डाल करके, और एक थैले में डाल करके वो कर दूँगी, रख दूँगी, पेटीकोट वगैरह जो काम की नहीं है उसको डाल करके, शर्ट पेंट का कपड़ा है वो सब डाल करके मैं एक बैग में रख दूँगी, सूटकेस में ही जो यूज का नहीं है, तो अपना पड़ा रहेगा अंदर सूटकेस को डाल दूँगी वहाँ पे बॉक्स में। तो आज आप लोग बने रहना, आज मेरी अलमारी फलमारी की सफाई होगी, और ये कपड़े वगैरह सब हटाऊँगी कि बहुत ही मतलब वो लग रहा है देखने में, टेबल पूरा भरा हुआ है और घर भी कचरा जैसे लग रहा है। ये रूम तो समझ लो स्टोर ही हो गया, थैले वैले में भर के मैं आज उसको सारे को निपटाऊँगी। तो बस यही सब है, बस सोच रही हूँ कि, और एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, तो मैं सुबह उठी हूँ, आज मेरे मुंह नहीं फूला हुआ है, आजकल मेरे मुंह नहीं फूलता है, क्यों बताऊँ, क्योंकि मैं सुबह सुबह बर्फ़ वाले पानी से मुंह धो लेती हूँ अच्छे से, तो सूजन कम हो जाती है, तो मैं आजकल वही कर रही हूँ, मुंह धो लिया बस ठीक है, अब ताज़ा ताज़ी लग रहा है, और थोड़ा सा फेस में ना चमक आ जाती है बर्फ़ वाले पानी से धोने से, शाइनिंग आ जाती है मुझे तो लगता है, लेकिन आप लोग भी अगर ट्राई करोगे तो पता चलेगा, मैं तो कर रही हूँ कई दिन से, तो मुझे तो लग रहा है। तो बस यही सब, आप लोग बने रहो, और मैं काम इधर झाड़ू पोछा कर लेती, पूजा कर लूँगी, स्वप्निल को नाश्ता वास्ता दे के, और निपटाऊँगी मैं वो काम, तब निपटाऊँगी जब स्वप्निल चला जाएगा लाइब्रेरी आराम से बैठ करके, उस टाइम निपटा करके फिर खाना दोपहर में बनाऊँगी, तो आप लोग बने रहना। तो बज रहे हैं अभी 3, स्वप्निल खाना खा लिया है, मैंने भी खाना खा ली, और ये देखिए मैंने सूटकेस को खाली कर दी हूँ, पैकेट है उसी का, उसमें डाल दूँगी, और ये सब मैं अब दिखाती हूँ आपको क्या इसमें रखने वाला सामान है। और अभी बारिश, मतलब दिमाग ही ख़राब हो गया सच्ची में, कभी बारिश होती है कभी हवा इतनी तेज चलने लग जाती है, ये सब करके, और ये ब्लाउज मैंने निकाल के रखे, मैं सोच रही हूँ ना कि धीरे धीरे आता है सिलना, मैंने 2-3 ब्लाउज सिली भी, मैंने वीडियो में बताई भी थी जब गाँव जा रही थी, सिली थी ना, अभी सोच रही इसको 2 को सिल लेती हूँ और इसको बाद में सिलूँ, ये मैं सोच रही हूँ इसको नवरात्र में कुछ बढ़ते ना हम लोग, ये वाली साड़ी में मैं क्या सोच रही हूँ, ये सब जो है ना
आपके पास जो एक ये साड़ी भी है, टोटल साड़ी साड़ी डाल करके और सूट के साथ डाल देते, ठीक है। कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। पंखा बंद करके और वीडियो बनाती हूँ इस गर्मी में, पसंद आए तो क्या करना आप लोगों को पता है ना, कर देना ठीक है। अब नहीं बोलूँगी मैं, सब्सक्राइब कर लेना बस, ठीक है। तो बाय बाय, मिलेंगे एक नए ब्लॉग में फिर से हम लोग, ठीक है। और मैंने बताया इन दोपहर में कोई आया हुआ था, चाची और बहन और कोई आया हुआ था, तो वो मैं थोड़ा सा ही वो की तो वो भी देख लेना। उसके बाद मैंने कहा ये काम कर लेती हूँ, आज मेरा ये लिपट गया, ये टेबल खाली हो जाएगी। फिर बाय बाय, मिलेंगे एक नए ब्लॉग में फिर से हम लोग।